देसी मिर्ची तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं झारखंडी चटनी बनाने जा रही हूँ। देख सकते हैं झारखंड में बहुत फेमस है और खाते भी हैं। ये हरी मिर्चा है और ये लहसुन है। ये चटनी जो है ठंडी में बहुत ही बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ठंडी में अगर कोई सब्जी आप नहीं बना पाए हैं या बना रहे हैं तो भी ऊपर से खाने में बहुत ही ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। ये लहसुन मैं यहाँ 10 कली लहसुन ले ली हूँ। मिर्चा है करीब, देख सकते हैं थोड़ी सी, और मिर्चे को मैं कट कर लेती हूँ बहुत ही अच्छी से। देखिए किस तरह से कट करती हूँ, क्योंकि देखिए मिर्चा जो है बना के अगर आप रख देते हैं तो कभी भी बना हुआ मिर्चा बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप खाना चाहते हैं तीखी, कभी चटपटी खाने का मन करता है और ठंडा में खास करके खाना चाहिए। ये जब जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के हो गए हैं तो लहसुन का कोई भी चीज़ हो, चटनी हो या तो फिर अचार हो, लहसुन का ज़रूर यूज करना चाहिए, क्योंकि ठंडे में जो है हमारे शरीर का खून जो है जमी हुई रहती है और ख़ास करके जो ज़्यादा थोड़ी एज के होते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जब इच्छा करे इसे बना करके और आप रख सकते हैं, और रख देने के बाद आप थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये मिर्चा तीखी होती है इसलिए थोड़ी सी कम मात्रा में खाया जाता है, क्योंकि फायदा करता है तो हानि भी करता है, इसलिए थोड़ी सी ले करके आप ठंडी में खा सकते हैं। और ख़ास करके जो ज़्यादा थोड़े एज के हैं उनको ज़रूर देना चाहिए। ये मिर्ची मेरी थोड़ी तीखी वाली मिर्ची है, बड़ी साइज की है पर तीखी है। अब मैं इसको लहसुन को मिर्चे को कट कर लेती हूँ। लहसुन को भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे कट करती हूँ और कट करके ये छिलके जो है लहसुन को कैसे निकालना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो लहसुन छीलने में, क्योंकि छीलना लहसुन बहुत ही मुश्किल होती है। एक लहसुन छीलने में करीब आधा घंटा लग जाता है। लहसुन छीलने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैं लहसुन इजी तरीके से कैसे छीलते हैं वो मैं बताऊंगी। दो तरीके हैं, देख सकते हैं लहसुन पूरी तरह से छील के निकाल ली हूँ, हल्की हल्की थोड़ी बहुत बची हुई है, और मिर्चा भी कट कर ली हूँ। ये तो आप लोग देखे किए थे, लहसुन भी छिला गई है पूरी तरह से, देख सकते हैं। इसी तरीके से आप जल्दीबाजी में हैं तो लहसुन कट कर दीजिए, फटाफट छिला जाएगी, देर नहीं लगती है। और नहीं तो घंटों बैठ के छिलते रहिएगा तब पर भी इतना लहसुन नहीं छिल पाएंगे। देखिए करीब 15 मिनट में मेरे इतने लहसुन छिल के तैयार हो गई है झटपट। अब जब चाहे तब लहसुन और मिर्चा का चटनी आप बना सकते हैं झारखंडी वाले। ये देखिए ये तिल है, मैं थोड़ी सी तिल को भून लेती हूँ, हल्की सी कढ़ाई में बैठा दी हूँ, तिल को मैं भून लेती हूँ हल्की सी, थोड़ी सी कुक कुक आवाज करेगी तिल, और बस मेरी भून के तैयार हो जाएगी। क्योंकि झारखंडी चटनी है तो आप लोग जानते ही हैं कि ठंडी की सीजन है, ठंडी में गरम गरम चीज़ खाने से हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदा होती है, और ख़ास करके बूढ़ों के लिए, क्योंकि ठंडी में तो घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं, इसलिए गरम गरम चीज़ खाने से फायदे करते हैं। और ज़रूर देना चाहिए, अपने माता पिता को खिलाना चाहिए बना करके, क्योंकि उन लोग को एज होता है ना, और ठंडे में उन लोग को घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, इसलिए उन लोग को ज़रूर थोड़ी सी बना करके और देना चाहिए और खाना भी चाहिए। देख सकते हैं पुट पुट की आवाज़ आ रही है मेरी थोड़ी सी, देखिए देख सकते हैं कि इस तरह से अगर मिसा जा रहा है तो समझिए कि तिल भुना गई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, और निकाल करके मिर्चा को फ्राई करती हूँ। मैं यहाँ पर झारखंडी मिर्चा का चटनी बना रही हूँ। देखिए तेल है, मैं
डाल दिए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी लगती है। आपके घर में सब्जी हो या ना हो, अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो आपके ससुर जी, आपके पिताजी, आपकी माता जी जो है वो दो रोटी से चार रोटी खा लेंगे, बोलेंगे कि बहू बेटी आप लोग मेरे लिए यही बना के रख दीजिए, मुझे सब्जी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आदमी मूड तो इतनी फ्रेश हो जाती है कि पूछिए मत। अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर गर्म हो गई है, लहसुन पे डाल देती हूँ और लहसुन को मैं निकाल देती हूँ। जो भी बची कुछ बची हुई है लहसुन के छिलके थोड़ी बहुत, वो तेल में जाने से इसकी छिलकी जो भी थोड़ी बहुत बची हुई है वो आराम से निकल जाएगी। आप इस चटनी को कुकली में पीस सकते हैं, सिलवट में पीस सकते हैं, मिक्सी में दरदरी ड्राई वाला में आप चला सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही स्वाद लगती है चटनी, बहुत ही अच्छी लगती है। अगर सब्जी के साथ चार पांच तरह की सब्जी हो, साग हो और थोड़ी सी अगर चटनी मिर्चा के मिल जाए तो क्या कहना है खाने में, उसका तो बात ही। देख सकते हैं मेरी लहसुन हो चुकी है, मैं निकाल लेती हूँ लहसुन को। लहसुन को थोड़ी सी जब भी आप लोग भूंगे तो ढक करके ही भूने, क्योंकि उड़ती है लहसुन हो चाहे मिर्चा हो, तो इसमें थोड़ी सी आँख में पड़ने का डर होती है, इसलिए जब भी आप लोग मिर्चा भूंजे या लहसुन को भूंजे तो ढक दें, अगर नहीं ढकिएगा तो उड़ने लगती है, उड़ने से थोड़ी सी पड़ जाएगी आँख में तो फिर हो गया। देखिए मैं यहाँ पे ढकती हूँ फिर से लहसुन मिर्चा को, और थोड़ी सी देख सकते हैं मेरी मिर्चा बहुत ही अच्छी से भुना गई है और मैं इसे निकाल लेती हूँ। मेरा भुनना है ये, देखिए इस तरीके से खूब बढ़िया से भून लेना है, कितनी बढ़िया भुना गई है। अब मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, थोड़ी सी ठंडा हो जाएगी। मैं सिलवट में उसकी मैं नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिक्सी ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ, मिक्सी में ही मैं चलाऊंगी ड्राई वाला। देख सकते हैं मैं मिक्सी के जार में डाल दे रही हूँ सारे चीज़ को, क्योंकि मैं अगर नहीं डालती हूँ तो पीसने में कुछ पीस सकते हैं, पर मैं इसमें यहाँ पर मिक्सी के जार में ही डालूंगी और मैं इसी से हल्की दरदरा पीस लूँगी। ऐसे डाल देना, पालने से कोई दिक्कत नहीं है। भुना हुआ पानी नहीं डालना है क्योंकि पानी डालने से खराब हो जाएगी। तिल भी डाल दी है, देखते हैं मिर्चा मेरी ठंडी हुई थी नहीं, सबसे पहले मैं भून ली थी, ये ठंडा हो गई है। तो मैं देखती हूँ मेरी मिर्ची ठंडी हुई कि नहीं, और हल्की सी दरदरी मैं पीस के निकाल लूँगी। देखिए छोटी वाली जार है जिसमें आप लोग सूखा ड्राई जो पीसते हैं उसी में मैं डाली हूँ। उसके बाद दिखाती हूँ मैं कि क्या क्या डालती हूँ। फाइनली मेरी चटनी पीस के तैयार हो गई है। इस तरह से ज़्यादा पतली भी नहीं की हूँ क्योंकि दरदरा पीसनी है, ज़्यादा पतली हो जाने से चटनी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी हल्की सी ही चलाई थी ताकि अच्छा से पिसा जाए, और नहीं तो अगर थोड़ी सी और चलती तो पतला बहुत ज़्यादा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही पतला नहीं की हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर काला नमक डाल रही हूँ, ये देखिए एक चम्मच, क्योंकि काला नमक अगर कोई भी चीज़ में डालते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, और ऐसे भी काला नमक खाना चाहिए, काला नमक खाने से ज़्यादा खाने पचाता है और खास कर
पैसे तो जान ही रहे हैं कि बूढ़े लोग को देना है, तो इसको थोड़ी सी काला नमक अगर डालते हैं तो पचाने में बहुत ही आसान होती है। ये देखिए झारखंडी स्टाइल चटनी बनके तैयार है। मैं इसमें थोड़ी सी नींबू डाल देती हूँ। आप चाहे तो गार के रखे होंगे तो एक नींबू डाल दीजिए, क्योंकि नींबू डालने से थोड़ी सी खट्टापन आ जाती है। आप इसको रख सकते हैं, अभी ठंडी के सीजन है तो इसको अभी बहुत दिन तक रख सकते हैं, क्योंकि एक साथ तो एक बार में तो ख़त्म होगी नहीं। तो आप इसको आराम से अभी स्टोर करके इसी डिब्बे में रख सकते हैं जार में, और जब ही इच्छा करे तो आप निकाल के खा सकते हैं। बनकर तैयार हो गई है, देख सकते हैं। अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर करिएगा। और इसमें तो क्या क्या डालूँ, नींबू डाल दी, काला नमक डाल दी वो तो बता ही दी हूँ, और लहसुन है, मिर्चा है और तिल है। इस तरीके से एक बार आप लोग भी जरूर बना के खाइएगा। लहसुन मिर्चा का चटनी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चटनी एक बार जरूर बना के खाइएगा।